प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वाराणसी में होने वाले चुनाव के लिए 10 फरवरी गुरुवार से नामांकन शुरू किया जाएगा। वाराणसी में अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। बुधवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह और एडीएम सिटी गुलाब चंद ने सभी नामांकन स्थल का गहनता से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 100 मीटर की परिधि में 2 गाड़ियों की अनुमति होगी। वहीं 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी के साथ 2 लोग जा सकेंगे। यदि कोई आवश्यकता होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर अन्य व्यक्ति को बुलवा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। नामांकन हमारे वहाँ 10 फरवरी से यानी कल से शुरू हो रहा है और ये 17 तक नामांकन है, फिर 18 को स्क्रूटनी है, उसके बाद कैंडिडेट फाइनल होंगे। तो यहाँ पे 8 कमरे हम लोगों ने 8 विधानसभाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जिसमें सारे एडीएम्स के चैम्बर हैं और कुछ एसीएम्स के चैम्बर हैं और एसओसी का चैम्बर, यानी कुल 8 चैम्बर हैं। सर बात की जाए इस दौरान नामांकन के दौरान कितने लोग जा सकते हैं, क्या कोविड नामांकन के दौरान? देखिए 100 मीटर की परिधि के बाहर पहले 3 गाड़ियाँ थी, लेकिन अब आयोग ने कोविड को दृष्टिगत रखते हुए उसमें 2 गाड़ियाँ अलाउ की हैं और नामांकन कक्ष में कैंडिडेट सहित 3 लोगों को अलाउ किया हुआ है। तो कहाँ तक लोग क्या जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं? नहीं, जुलूस निकालने का कोई प्रोविज़न नहीं है। लोग आते हैं उनके 100 मीटर के बाद केवल 3 आदमी अंदर आता है, वो नामांकन कक्ष में जाता है। यदि किसी प्रपोजर को वेरीफाई करने की ज़रूरत आरओ को पड़ती है तो उनको बुलवा लिया जाता है। 100 मीटर तक कितने लोग आ सकते हैं? 100 मीटर तक आप जो कोविड का नाम है उसके अनुसार आएंगे लोग, जुलूस नहीं निकाल सकते, ये सब प्रक्रिया नहीं है। जुलूस निकालने पर ऑलरेडी अनुमन्य नहीं है अभी। सर बात कीजिए कब तक नामांकन वापसी की तिथि होगी? नामांकन वापसी की तिथि 21 को है। सर पत्रकारों के लिए अंदर एंट्री के लिए क्या व्यवस्था है, पास कोई बन रहा है या पत्रकार के लिए? अभी इस तरह का तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए चूँकि ये दीवानी कचहरी है, वकील साहब लोग भी इधर से आ रहे हैं, बस वो प्रक्रिया जो दीवानी नाले चल रही है उसको भी हम लोग नहीं रोक सकते। तो हम लोगों ने इस तरह का बैरिकेटिंग कराया हुआ है कि आप भी आके अपना इसका जो भी आपको क्लिप्स वगैरह लेना है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बैरिकेटिंग के बाहर ही रहना है कि वो हम इस तरह की व्यवस्था बना देंगे कि जिला सूचना अधिकारी आपको ले जाके और जो कुछ भी आपको लेना है करा देंगे और उस अनुसार आपको अपना बाइट भी मिल जाएगा और समाचार भी मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।